डायरेक्शन कोसाइंस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करनी है। तो चलिए इसे फाइंड आउट करते हैं। वी नो दैट एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड एन इज इक्वल टू कॉस गामा होता है। एंड ऑल्सो तीनों एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं। तो अब हम एक एक करके तीनों एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि एक्स एक्सिस खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है और बाकी दोनों एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री के इक्वल होगी, बीटा की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होगी एंड गामा की वैल्यू भी 90 डिग्री के इक्वल होगी। अब हम अल्फा, बीटा और गामा का कोसाइन लेंगे तो हमें एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा 1,0,0। नेक्स्ट हम देखेंगे वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस खुद के साथ 0 डिग्री और बाकी दोनों एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू 0 डिग्री एंड गामा की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल मिल जाती है, जिससे हम वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन लिख सकते हैं 0,1,0। इसी प्रकार जेड एक्सिस भी खुद के साथ 0 डिग्री और बाकी दोनों एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जिससे हमें अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री, बीटा की वैल्यू 90 डिग्री एंड गामा की वैल्यू 0 डिग्री मिलती है। और इनका कोसाइन लेने पर हमें जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा 0,0,1।